गणेश विसर्जन की धूम पूरे देश में मची हुई है। हालांकि हर साल की तरह इस साल भी गणेश विसर्जन दोगुने उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यहां मौजूद गणेश पंडालों में 10 दिन गणपति की सेवा की जाती है और उसके बाद गणपति की मूर्तियां विसर्जित कर दी जाती हैं। गणपति की विशालकाय मूर्तियों को फूल लगाड़ों के साथ विदाई दी जा रही है। सड़कों पर चारों तरफ फूल मालाएं और रंग गुलाल फैला नजर आ रहा है। विसर्जन के दौरान सड़कों पर खासा जाम भी देखने को मिल रहा है। जहां महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, वहीं हैदराबाद में भी भगवान गणेश की 61 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा देखने को मिली। तो गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति के भक्त गणपति से यही प्रार्थना करते हैं कि विघ्नहर्ता उनके विघ्नों को हरे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना उत्साह है गणपति विसर्जन को लेकर। लोग सड़कों पर जाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हैं, नाचते हैं और गणपति की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर हुजूम उमड़ा हुआ है गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गणपति बप्पा मोरया। और इसी के साथ हर कोई गणपति बप्पा को विदाई दे रहा है। तो गणेश विसर्जन की पूरे देश में धूम। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक देश के अलग अलग राज्यों में गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। 10 दिन तक गणपति की पूजा अर्चना के बाद, उनकी सेवा के बाद मूर्तियों को विसर्जित किया जा रहा है।